मैं अब्दुल आलम झीलम हाउसिंग का प्रेसिडेंट इस झीलम लोन के मंच से, मैं इस जेएनयू के मंच से आप सभी जेएनयू के सभी साथियों को जय भीम जय मंडल जय कयूम और सतरंगी सलाम पेश करता हूं। साथियों, मैं जयपाल मुंडा को प्रणाम करता हूं। साथियों, फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार को मैं और हमारी पार्टी इस मंच से कंडेम करते हैं। यूक्रेन में हो रहे युद्ध के वजह से वहां के तबाह हुए लोगों के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही मैं इस मंच से पेरियार के कथन को दोहराना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जब एक मजबूत देश एक कमजोर देश का शोषण करता है तो उस मजबूत देश के खिलाफ हूं। जब एक राज्य देश एक राज्य का शोषण करता है तो मैं उस देश के खिलाफ हूं। जब एक राज्य एक गांव का शोषण करता है तो मैं उस राज्य के खिलाफ हूं। जब एक गांव एक परिवार का शोषण करता है तो मैं उस गांव के खिलाफ हूं। जब एक परिवार में एक पुरुष एक महिला का शोषण करता है तो मैं उस पुरुष के खिलाफ हूं। साथियों, कोरोना का वो मंजर हम भूले नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अटकती सांसों का मंजर हम भूले नहीं हैं। गंगा में तैरती लाशों का मंजर हम भूले नहीं हैं। रोड पे हमारे किसान भाई हमारे मजदूर भाई हजारों हजार किलोमीटर तक अपने पेटों में गमछा बांधकर चलने का मंजर हम भूले नहीं हैं। उनके पांव के छालों का मंजर हम भूले नहीं हैं। साथ ही मणिपुर के जल रहे के मंजर को हम भूले नहीं हैं। मणिपुर के हिंसा के वजह से वहां के हजारों हजार लोगों का माइग्रेशन का मंजर हम भूले नहीं हैं। साथ ही मैं इन सभी चीजों को अपनी हड्डियों पे गुजवा रखे हैं और आपको भी भूलने नहीं देंगे। साथ ही मैं इस मंच से उन 800 किसानों को नमन करता हूं जो एमएसपी की मांग करते करते शहीद हो गए। मैं सिंध बॉर्डर के बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के साथ इस मंच से खड़ा हूं और मैं उनको अपना सपोर्ट भेजता हूं। मैं लद्दाख के उन भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूं जो अभी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। साथ ही मैं कश्मीर के उन भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूं। साथ ही जैसा आप देखते हैं, मैं इस मंच से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ बिगुल फूंकता हूं और मैं जंग का ऐलान करता हूं। क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, ये नो एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें हम बहुजन पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और आदिवासी भाइयों को और पसमांदा भाइयों को और अल्पसंख्यक भाइयों को यूनिवर्सिटी के दलित से दूर करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस को और कैंपसेस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कमर्शियलाइजेशन के नाम पे कैपिटलाइजेशन के नाम पे हम बहुजन दलितों और पिछड़े समुदाय से आने वाले तबकों के साथ साजिश रची जा रही है। साथ ही हम ये बता देना चाहते हैं कि हम इनके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं। साथ ही मैं याद करता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर के उस कोट को जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमें इसी शिक्षा से इसी यूनिवर्सिटी के कैंपसों से हमें दूर रखा जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही हम इस ब्राह्मण वादी ताकतों को इन मनुवादी ताकतों को इन फांसीवादी ताकतों को हराएंगे और इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही हम इस मंच से एनएफएस को नॉट फाउंड सुटेबल को रिजेक्ट करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग हमारे समुदाय से आने वाले लोगों के साथ बहुजन दलित अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले लोगों के साथ ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं। रोहित दमूला के साथ ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं। न जावे इस लिस्ट में और कितने हमारे बहुजन दलित पिछड़ा आदिवासी भाई हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इस मंच से
मैं रोहित निर्मूला एक्ट की मांग करता हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि इस देश के सारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कैंपस में रोहित निर्मूला एक्ट को लागू किया जाए ताकि हमारे आने वाले भाई बहनों का एजुकेशनल बर्डन ना हो। साथियों, ये एनएफएस के नाम पे, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे हम बहुजन साथियों का, हम बहुजन रिसर्च स्कॉलर्स का गला घोटा जा रहा है, गला काटा जा रहा है। मैं इस मंच से मानव को खत्म करने वाले इस बीजेपी सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये लोग एक बहुजन, ये लोग ये अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। उनको शिक्षा के मंदिर से, यूनिवर्सिटी से, कैंपस से ये दूर करने की साजिश कर रहे हैं। मैं इस मानव को खत्म करने के खिलाफ इस मंच से आवाज उठाता हूँ और मैं इसको रिस्टोर करने की मांग करता हूँ। पहले ये दोनों चार हमारा अंगूठा काटते थे, आज एनएफएस के नाम पे नौकरी छीन कर हमारा गला काट रहे हैं। साथ ही अब इस दौर में, इस 2024 में कोई एकलव्य अपना अंगूठा नहीं देगा। इन ब्राह्मणवादियों को, इन फांसीवादियों को इनको सबक सिखाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मंच से इनके रचे हुए सभी षड्यंत्रों को, सभी चक्रव्यूहों को एकलव्य तोड़ेगा और चीरेगा और आगे बढ़ेगा और इनके सामने झुकेगा नहीं। मैं इस मंच से 69,000 शिक्षकों के साथ अपनी ताकत भेजता हूँ जिनको यूपी सरकार ने, ये योगी सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन से दूर कर दिया। साथ ही जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मुझे आखिर किस लिए खड़ा होना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि इस कैंपस में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले साथियों का हिस्सा उन्हें नहीं मिला? नहीं, मामला और गंभीर है। मैं उस हलालखोर चीख समुदाय से आता हूँ जिनके नाम पे इस समाज में गालियां हैं और और हम पसंदाओं का हाल तो ऐसा है कि उसको हम अपने दर्द बयां भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट का कोई प्रावधान नहीं है। मैं अफरोज आलम अंसारी इस मंच से डिमांड करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन कैप को बढ़ाया जाए और उन मुसलमानों को उसमें ऐड किया जाए, जोड़ा जाए जिनके हालात बहुत ही बदहाल और खस्ताहाल है। ये बीजेपी के लोग भारत की बहुरंगी विरासत को मरियमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वन नेशन वन लैंग्वेज के नाम पे ये लोग छीछा लेदर कर रहे हैं। साथ ही जब इनसे, इन वनवादियों से, मंदवादी से जब आप बात कीजिएगा, जब से कहिएगा कि वन नेशन वन कास्ट की बात करिएगा तो ये इनका मुंह फूल जाएगा और ये आय बाय ताय करने लगेंगे और इनका मुंह हो जाएगा बैगन। मैं भारत सरकार के नू में भाईचारों को तोड़ने के लिए जो कोशिश की गई और दंगा भड़काया गया, उस दंगे में हमारे जो भाई और बहनों को झोंका गया, मैं इस मंच से कंडेम्न करना चाहता हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उसी चंपारण की धरती से आता हूँ जहाँ गांधी जी को बचाने वाले बतख मियां अंसारी का पैदा हुआ और उन्हीं बतख मियां अंसारी का खून मेरे रगों में दौड़ता है। जब तक मैं और हमारी पार्टी, हमारा संगठन जिंदा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि इन मनुवादी सांप्रदायिक जातिवादी शक्तियों को हम पनपने नहीं देंगे, इस देश में, इस कैंपस में पनपने नहीं देंगे।
आज जातिवाद और सांप्रदायिकता के जुए इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी का नारा है DSS, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सोशल जस्टिस। ये यूएसए से आने वाले लोग हमसे हमारा मूल निवासी होने का कागजात मांगते हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों से इनके 5000 साल पुराने किए हुए काले करतूत का इतिहास मांग दे, कागजात मांग दे, तो ये आज यूएसए भाग खड़े होंगे। साथ ही ये एबीवीपी के लोग, ये गुंडा परिषद के लोग नारा लगाते हैं कि गुरु हमारे गोलवर्कर, आदर्श हमारे सावरकर। साथ ही फर्क तो आदर्शों का ही है, इनके आदर्श से गोलवर्कर, सावरकर, परमेश्वर, लेकिन हमारे आदर्श है बाबा भीमराव अम्बेडकर। साथ ही मैं इस संपर्क में आता हूँ तो मैं इंश्योर करूंगा कि इस कैंपस में कोई दूसरा नजीब मेरा भाई, कोई दूसरा नजीब ना बन जाए, कोई दूसरा रोहित रंगूला ना बन जाए। होस्टल अलॉटमेंट में ओबीसी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कराऊंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि इस MCM और नंगेट फेलोशिप को बढ़ाया जाए, जो बाबा आदम के जमाने से बाहर नहीं है। मैं 650 MG पारासीटामोल कल्चर को दूर करूंगा, जिसमें जब भी आप हेल्थ सेंटर जाते हैं तो हमें सिर दर्द, कान दर्द, बदन दर्द, हाथ दर्द के लिए 70 जन रेफर कर दिया जाता है। मेरा सबसे बड़ा मांग ये है कि SL का नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ लैंग्वेज किया जाए, SIS का नाम सावित्री फुले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज किया जाए, PSS का नाम फातिमा शेख स्कूल ऑफ सोशल साइंस किया जाए। साथ ही मैं अपने स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर।